दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माय इंट्राडे में। दोस्तों देखते हैं कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। दोस्तों मार्केट में मैंने ये चार्ट खोला है निफ्टी का, कितना खूबसूरत चार्ट दिखाई दे रहा है मार्केट में। जो मैंने ये चार्ट लिया है, अगर आप इसे गौर करेंगे तो कितना खूबसूरत चार्ट दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये कैंडल कैसी बनी है, बुलिश बनी है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कैंडल कैसी बनी है, बुलिश बनी है। दूसरे दिन कैंडल कैसी बनी है, बुलिश बनी है। तीसरे दिन कैंडल कैसी बनी है, बुलिश बनी है। चौथे दिन कैंडल कैसे बनी है, यानी आज कैसी बनी है, बुलिश बनी। तो दोस्तों मार्केट 4 दिन से कैसा है, मार्केट 4 दिन से अप ट्रेंड में है ना। इसके पहले भी मार्केट क्या हुआ था, 5 दिन अप ट्रेंड में रहा था। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन अप ट्रेंड में रहता है। यहाँ पे देखा 4 दिन आपने, यहाँ पे देखा 5 दिन, छठवें दिन जैसे ही गैप अप खुला मार्केट डाउन हो गया। ध्यान से देखिए मार्केट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे भी 4 दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहा, यहाँ पे भी 4 दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहा, यहाँ पे भी 4 दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहा। तो मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि मार्केट लगातार ना तो ऊपर जा सकता है ना लगातार नीचे आ सकता है। तो मार्केट इसी तरह से चलता है। अब अगर आप गौर करें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। पहले तो ये समझिए कि ये चार्ट कौन सा है, ये डेली का चार्ट है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, लगातार पहले मार्केट का ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये मार्केट का रेजिस्टेंस हुआ करता था। मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, और इसके बाद एक रेंज में मार्केट फंस गया। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट कुछ दिनों से एक रेंज में है, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो एक मैं छोटी रेंज पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आपको मैं बड़ी रेंज समझाता हूँ। ये देखिए ये मार्केट की एक रेंज है, ये और ये, ठीक है। मार्केट क्या है, इस रेंज में कहाँ से घूम रहा है, आपको मैं दिखाऊं। समझने की कोशिश करिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट को समझिए। ये क्या है, लगभग 10-12 मार्च की बात है। 10-12 मार्च से अप्रैल मई यानी 2 महीने हो गए, 2 महीने से मार्केट क्या है, इस रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। अब क्या फर्क हुआ मार्केट में, मार्केट यहाँ से नीचे तक आया था, फिर मार्केट ऊपर तक गया था, फिर मार्केट नीचे तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन अब की बार मार्केट बीच से ही घूम गया। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट कैसे चलता है। ये मार्केट है, अगर मार्केट मान लो इस तरह से एक रेंज में फंसा हुआ है, इस तरह से एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, अगर मार्केट नीचे कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट के नीचे की साइड ब्रेकडाउन होने की संभावना है। अगर मार्केट ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट के ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन होने की संभावना है। ये केवल हम लोग एक अनुमान लगाते हैं जिस तरह से मार्केट चलता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में, मैं फिर से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए, मार्केट इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट की स्थिति क्या है, ये ऊपर गया, अब मार्केट को अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में समझा चुका हूँ कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को एक बार में ब्रेक नहीं कर सकता। मार्केट को अगर इसे ब्रेक करना है तो पहले नीचे आना पड़ेगा और फिर इसको ये ब्रेक करेगा। यानी मार्केट जब इसके आसपास क्लोजिंग देगा नीचे से ऊपर आते समय, तभी ये इसको ब्रेक कर पाएगा। तो मार्केट के लिए ये जो सिचुएशन है, परफेक्ट सिचुएशन है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की परफेक्ट सिचुएशन है। अब बात आती है कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये मार्केट इस पॉइंट तक जा सकता है, इस पॉइंट तक जा सकता है। और ये पॉइंट क्या है मार्केट का, ये पॉइंट मार्केट का ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये मार्केट का जो हाई है वो है
लगभग लगभग 15,435 450 के आसपास इसका हाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल्स बन रही हैं वो कैंडल ऐसी कोई कैंडल नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ऐसी कोई कैंडल नहीं है जो हम कह सकें कि बहुत बुलिश कैंडल है, जो कह सकें हम कि बहुत बुलिश कैंडल है। जैसे आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, ये भी एक डोजी टाइप की आप कैंडल समझ सकते हैं। जिन लोगों को कैंडल के बारे में नहीं पता है वो इसे डोजी टाइप की कैंडल समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कल के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है इसको जानते हुए हम लोग कोशिश करते हैं मार्केट को समझने की। इसको हम 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप आज का 5 मिनट का चार्ट देखें, ये देखिए, इस 5 मिनट के चार्ट को जरा देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, आप इस चीज को समझेंगे। मार्केट इस जगह से मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग है। ये पूरा मार्केट कैसा रहा, ट्रेंडिंग रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक रेंज में आ गया। यहाँ पे भी मार्केट क्या हुआ, रेंज में आ गया। यानी आप 2 दिन से इस चीज़ को गौर करिए कि मार्केट यहाँ पे अपने हाई के आसपास बंद हुआ, गैप अप ओपन हुआ, और जहाँ से गैप अप ओपन हुआ और जो इसका लो था या पिछले दिन का लो था वहाँ तक मार्केट क्या रहा, एक रेंज में रहा। यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, और मार्केट दिन भर उसी रेंज में घूमता रहा, राइट। तो अब इस स्थिति में हम इसका एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, अगर मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रह जाए, अगर मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रह जाए तो हम लोग मार्केट को किस तरह से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा और जांचा परखा तरीका है। आप क्या करिए, आप आज के दिन का जो मार्केट ने हाई बनाया है, ये हाई पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जो आज का लो बनाया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिंपल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और जो मैं आज कह रहा हूँ कल मार्केट वैसा ही बिहेव करेगा। फर्क सिर्फ इतना है, आप पैसा कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते, आप पैसा कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो मेरा डेली का अर्निंग देख सकते हैं, वो मेरी डेली की अर्निंग देख सकते हैं। हर दिन मैंने अर्निंग की है, हर दिन मैंने अर्निंग की है, और लोगों के मैसेज भी मेरे पास आए हुए हैं कि सर आज तो मार्केट कहीं गया ही नहीं, फिर आपने कैसे पैसे बना लिए। दोस्तों, यही चीज़ है, आपकी काबिलियत इसी में है कि मार्केट चाहे वहीं खड़ा रहे या मार्केट किसी भी तरफ मूव करे, पैसा दोनों तरफ से बनता है, आपको पैसा बनाना आना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है जहां पर मार्केट में आप ट्रैप हो जाए, आपको हमेशा तरीके से काम करना है। अब मैं आपको बिल्कुल सीधा तरीका बता दूं, कल अगर आपको ट्रेड करना है, ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए, कल इसके पहले आप बाई नहीं करेंगे, इसके पहले आप सेल नहीं करेंगे। यानी अगर मार्केट अपने आज के लो को कल तोड़ेगा तो आप सेल करेंगे, आज के हाई को तोड़ेगा तो आप बाई करेंगे। मार्केट हो सकता है कल फ्लैट ओपन हो और प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाए, मैं आपको बता चुका हूँ एक बुलिश कैंडल बनेगी, उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई करेंगे, लो पर स्टॉप लॉस डालेंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है, इसके नीचे आप सेल करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाता है और रेजिस्टेंस के पास एक बियरिश कैंडल बनाता है, नो डाउट आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा 14,939, मतलब आप सीधी सी बात समझ लो,
अगर 15,024 के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होता है, क्या होता है गैप अप ओपन होता है, तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, राइट। अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, 14,939 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद बुलिश कैंडल फॉर्म करता है इस लाइन पर, ध्यान दीजिएगा, तो आप इसके ऊपर बाई करेंगे। अगर ये यही रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है, तो इसके लो के नीचे आप सेल करेंगे। अगर गैप डाउन होता है, बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पर आप बाई करेंगे और आपका टारगेट होगा 15,024। गैप अप खुल जाता है, यहाँ पे आप एक सेल करेंगे, आपका टारगेट होगा 14,939। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 15 मिनट की जो कैंडल है, 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई या लो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, मतलब मार्केट इतना सिंपल है, मार्केट को हम लोग ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो मार्केट को आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, दिन में एक ही ट्रेड करो लेकिन परफेक्ट ट्रेड करो। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का, और 2-3 दिन से मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल एक ही तरह का बिहेव कर रही है। कल और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं कल कोशिश करूंगा कि इसको लाइन को मैं ड्रॉ बना रहने दूं, इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जरा बैंक निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है। बस ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में थोड़ा सा वीक है, लेकिन जिस दिन ये रफ्तार पकड़ेगा निफ्टी को पीछे छोड़ देगा, निफ्टी 1% मूव करता है, बैंक निफ्टी 2 से 3% तक मूव करती है। तो देखिए, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की इसके हाई के ऊपर, ये मैंने इन लाइन ड्रॉ की इसके लो के ऊपर, राइट। तो ये आज का बैंक निफ्टी का हाई या लो है, मतलब सिंपल सा तरीका, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, वही काम करना है, इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल। सेल कब करेंगे, जब बियरिश बनेगा। मतलब सीधा सा आपको अगर अंकों के रूप में समझा दूं, तो 33,300 के ऊपर, 33,300 के ऊपर आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। कब करेंगे, जब बुलिश कैंडल बनेगी, जब बुलिश कैंडल बनेगी। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा जो 15 मिनट की कैंडल है उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। इसके ऊपर बाई करेंगे। और सेल कहाँ करेंगे, अगर मार्केट 33,000 पर बियरिश कैंडल बनाता है, बियरिश कैंडल बनाता है, मैं बिल्कुल साफ साफ लिख दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बियरिश कैंडल बनाता है तो लो के नीचे आप सेल करेंगे, लो के नीचे सेल करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, 15 मिनट की कैंडल का हाई ऐसे होगा आपका, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई आपकी, ये तो तब हो गया जब मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ धीरे 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 इसके ऊपर जाए, या प्राइस एक्शन बनाता हुआ धीरे 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 इसके नीचे जाए, तब आपको ये करना है। अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, अगर मान लो मार्केट 33,300 पर खुल जाए और यहाँ पर बुलिश कैंडल की बजाय बियरिश कैंडल बना दे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल करोगे, और टारगेट आपका क्या रहेगा, 33,000। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप इसे बाई करेंगे और टारगेट रहेगा 33,300। अब बताइए, क्या इससे सिंपल कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि यकीन मानिए, जब भी मार्केट, यकीन मानिए, जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, तो जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। तो मार्केट में कल का दिन, आज का दिन लगातार कैसा गया है, साइडवेज गया है, और साइडवेज के बाद एक बड़ा मूवमेंट का दिन आता है।
वो मूवमेंट अपर साइड भी हो सकता है, वो मूवमेंट लोअर साइड भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में पोजीशन बनाना है। तो ये थी बैंक निफ्टी की बात, आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल में मार्केट आज सुबह यहाँ पर ओपन हुआ और मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो ये एक मार्केट का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आप गौर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए, मार्केट को समझ लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पैसा लगाते समय भले चाहे आपको एक घंटा लग जाए, दो घंटा लग जाए, पाँच घंटा लग जाए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, सपोर्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, ये भी एक सपोर्ट है। जब इसको इसने ब्रेक किया तो अब की बार ये देखो मार्केट नीचे जाके ऊपर आया, ये बन गया इसका रजिस्टेंस, ये बन गया इसका रजिस्टेंस, ये बन गया इसका रजिस्टेंस, ये बन गया इसका रजिस्टेंस। तो ये 4816 नोट करिए, 4816 इसका एक बहुत तगड़ा रजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, W बनाया, W बना के फिर से अपने रजिस्टेंस के पास गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, रजिस्टेंस के पास ही घूम रहा है। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब मार्केट एक रेंज में रहता है और रजिस्टेंस के पास मूव करता है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। अगर बुलिश कैंडल बनती है 15 मिनट की, ध्यान रखिएगा कितने मिनट की, 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बनती है, इसके हाई के ऊपर आप बाई करेंगे, ये ऐसे रहेगा। नहीं बनती है, मार्केट नीचे चला जाता है, छोड़ दीजिए, पैसा आपका आपके अकाउंट में रहेगा ना, पैसा आपके आपके अकाउंट में रहेगा। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, क्योंकि जब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर तक गया है, अगर ये इसको तोड़ता है तो आपको 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो अगर ये तोड़ता है तो वेल एंड गुड, नहीं तोड़ता है तो हो सकता है मार्केट दोबारा 4700 के आसपास आ जाए, आने दीजिए। आप अपना एक डिसाइड कर लिया करिए कि आज मुझको सिर्फ बाई करना है या आज मुझको सिर्फ सेल करना है, ये चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप उसी डायरेक्शन में उस दिन ट्रेड करिए, इसके अलावा आप कुछ मत करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रूड के बाद कॉपर की। देखिए कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में आज बहुत बुलिश है, कॉपर, कॉपर कैसा है, आज बहुत बुलिश है, कल यहाँ बंद हुआ था, आज यहाँ से इसने एक बहुत लंबा मूव दिया है, इसने बहुत लंबा मूव दिया है, उसके बाद एक रेंज में रहा, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जब मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट हो, मतलब अभी 14 रुपये का मूवमेंट है और ये गया है और ऊपर तक, यानी 25 रुपये तक का मूवमेंट हो जाए, जिस दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट करे, अनएक्सपेक्टेड क्यों कह रहा है, क्योंकि जिंक देखिए, जिंक में उतना मूवमेंट नहीं है, 1% से कम है, लेड में नहीं है, निकिल में नहीं है, इसमें नहीं है, केवल किस में मूवमेंट आ रहा है, कॉपर में मूवमेंट आ रहा है। हम अपने हाथ नहीं जलाएंगे, हम अपने हाथ नहीं जलाएंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर भी मूवमेंट कर सकता है और नीचे भी मूवमेंट कर सकता है, हम मार्केट को शांत होने देंगे। किसी ने कहा है रोटी अगर गर्म है आप तुरंत खाओगे तो मुंह जल जाएगा, रोटी को ठंडा होने दीजिए फिर खाइएगा, हम भी वही काम करेंगे, हम इसमें ज़बरदस्ती नहीं घुसेंगे। पता चला यहाँ पे बन तो रहा है सेल, अभी क्या बन रहा है, सेल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, अगर यहाँ से तोड़ा तो वापस नीचे आ सकता है, सेल बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन मान लो नीचे आने पे जो लोग इस मूवमेंट को कैप्चर करने से बच गए हैं या कैप्चर नहीं कर पाए हैं, रह गए हैं, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे इसको अगेन बाई कर सकते हैं। और ये सारा इतना बड़ा मूवमेंट टेक्निकल तो आया नहीं है, कोई ना कोई फंडामेंटल वजह रही होगी जिसकी वजह से इतना तगड़ा मूवमेंट आया है, और हो सकता कोई न्यूज़ में एक्सटेंशन आ जाए। तो आज के दिन हम लोग कॉपर में कोई ट्रेड ढूंढेंगे नहीं, ये ट्रेड ज़बरदस्ती की होगी। वैसे
सिर्फ सेल बन रहा है, बाई नहीं। लेकिन ध्यान रखिए 12-14 रुपए का मूवमेंट इसमें हो रहा है। आगे चलते हैं, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। ये नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस में मैं आप लोगों से बहुत दिन से कह रहा हूँ, नेचुरल गैस में सिर्फ और सिर्फ सेल है, सिर्फ और सिर्फ सेल है। आज भी इसमें सेल है, आप देख सकते हो। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एम का मिड पॉइंट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट अगेन इस लो तक आ सकता है और इस लो को भी तोड़ सकता है। देखिए आपसे बात करते करते इसने इस लो को तोड़ दिया, आपसे बात करते करते इसने इस लो से लो को तोड़ दिया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, केवल मार्केट के मूवमेंट को आपको ध्यान रखना होता है। और ये यहाँ पे पहली बार आया है, मैं फिर से बता दूंगा आपको, ये यहाँ पे पहली बार आया है। तो जब पहली बार आता है आपको सेल नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको ऊपर जाने देना है। और ऊपर जाने देने के बाद जब इस लो पर तीसरी बार आए, इस जगह आपको सेल करना है। कभी भी अगर कोई मार्केट अपने लेवल को टच कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, मार्केट यहाँ से चला ऊपर गया, पहली बार इस लेवल पे आया, आपको इसको सेल नहीं करना है। अगर दूसरी बार आता है और मार्केट इसके नीचे जाता है, आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो हो सकता है कि ये 213.90 रुपये के आसपास इस समय चल रहा है, हो सकता है कि एक ऊपर जाए, ऊपर जाके जब दोबारा इस लेवल को आएगा हम इसको तब सेल करना पसंद करेंगे। तो नेचुरल गैस में केवल और केवल क्या है, सेल है। लेकिन कब है, जब एक उछाल करे। अब ये ऊपर कहाँ तक आएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा। मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसके यहाँ तक जाए आप यहाँ पे सेल कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लेके, नहीं तो दोबारा नीचे आए तो आप सेल करिए। जाएगा जरूर ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।